कोटा थाना में हमारी 3 FIR दर्ज हुई थी 11 अगस्त की, जिसमें 164 नंबर, 165 और 166, जिसमें 6 अपराधियों ने गाड़ी में बैठकर ये वारदात की थी कि 3 अलग-अलग जगह उन्होंने डकैती की वो की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से कुछ पैसे छीने गए थे और 5 मोबाइल फोन्स छीने थे। और ये एक बड़ी घटना थी जो कि हमारी CIA टीम और साइबर टीम ने मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से है, पहला है हरजी सन ऑफ बलजिंदर और दूसरा है मोनू सन ऑफ प्रवीण। ये दोनों ही भटिंडा के रहने वाले हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनकी अभी रिमांड दी जाएगी आज और फिर फर्दर पूछताछ की जाएगी। जहां तक अभी की कार्रवाई हुई है उसमें बाकी लोग जो इसमें शामिल थे उनकी भी पहचान हो चुकी है, परंतु फर्दर जब रिमांड ली जाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके अंदर रिकवरी और बाकियों की अरेस्ट भी की जाएगी। बिल्कुल, ये वही मामला था जिसके अंदर काली गाड़ी में ये सवार थे और जगह जगह रुक के इन्होंने 3 जगह ये वारदात की थी। और ये बड़ी सफलता हम मानते हैं हमारी CIA टीम की, साइबर टीम की, जिन्होंने मिलकर ये काम किया और इसको सुलझाया है। हरियाणा से वारदात करने के बाद अपेरेंटली ये भटिंडा गए हैं और पंजाब में भी इन्होंने कुछ वारदात की है, वहां पर भी कुछ केस रजिस्टर हुए हैं। तो इसकी अभी थोड़ी जानकारी हमें ऑलरेडी मिली है, बाकी जो डिटेल जानकारी है वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आएंगी, वो आपके साथ फिर हम शेयर करेंगे। जो भी फर्दर रहेगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ये दोस्त हैं ये आपस में, दो लोग जो हैं, जो बाकी लोग हैं उनके ये आपस में सबकी दोस्ती है, बाकी जो भी और तथ्य सामने आएंगे वो आपको बाद में बताए जाएंगे। 6 लोग जो थे टोटल शामिल थे इस वारदात में, 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, बाकी लोगों को भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। इन लोगों ने मिलकर ही सबने ये वारदात को अंजाम दिया था, तो इनमें से 2 अरेस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, बाकी को भी करेंगे। ये सबने मिलकर ही की है, अभी तक कोई केस ऐसा सामने नहीं आया कि इन्होंने पहले भी ऐसी कोई वारदात की हो, पर जो भी अगर फर्दर कुछ आएगा आगे तथ्य तो फिर आपको बताया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है कि और भी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो फिर आपको बताया जाएगा। अभी तक यही बात सामने आई है कि नशा करते थे और इसी वजह से इन्होंने ये भी लूट की है, बाकी और भी कुछ अगर सामने आएगा तो आपको।